दोस्तों, बरगढ़ ओडिशा का एक महत्वपूर्ण जिला है जो पश्चिम भाग में स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से ओडिशा के चावल का कटोरा कहा जाता है। बरगढ़ को पश्चिम ओडिशा का बिजनेस हब भी कहा जाता है। संबलपुरी साड़ी की उत्पत्ति बरगढ़ जिले से ही हुई थी। बरगढ़ में हालांकि कुछ पर्यटक आकर्षण है, लेकिन यह अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। बरगढ़ धनुजात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सबसे बड़ा खुला नाट्य मंच कहा जाता है और इसमें कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल करने का। नंबर एक पर है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह अभयारण्य बारापहाड़ पहाड़ियों में बसा है, जो समुद्र सतह से 2267 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय बाइसन, हाथी और काले हिरण जैसे जानवर इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। अभयारण्य में एक कृत्रिम जलाशय मौजूद है, जिसे हीराकुद जलाशय कहा जाता है। यह जलाशय सर्दियों के दौरान प्रवास करने के लिए कई पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह जलाशय ओडिशा में पक्षियों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। आप यहाँ पर जंगल सफारी का आनंद भी उठा सकते हैं। नंबर दो पर है नृसिंहनाथ मंदिर। गंधमातन पर्वत की तलहटी में बरगढ़ के मुख्य शहर के बाहरी इलाके में स्थित नृसिंहनाथ मंदिर इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है और भगवान नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी की शुरुआत में एक स्थानीय राजा द्वारा की गई थी, इसलिए यह स्थान बरगढ़ में सबसे महान धार्मिक और साथ ही ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। नंबर तीन पर है बारबखरा जलप्रपात। यह जलप्रपात ओडिशा के बरगढ़ जिले के अम्बापना ब्लॉक में मौजूद है। बारबखरा जलप्रपात बरगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 47 किलोमीटर दूर है, जो ट्रेन के साथ साथ बस द्वारा भी सुविधाजनक है। यह जलप्रपात बरगढ़ जिले के अम्बावना ब्लॉक की बारापहाड़ पहाड़ी श्रृंखला में स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साय का ऐतिहासिक ठिकाना है। यह ध्यान, पिकनिक, प्रकृति और फोटोग्राफी का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ जाने के लिए अगस्त से नवंबर तक समय उत्तम माना जाता है। नंबर चार पर है पापोंगा हिल स्टेशन। पापोंगा गांव के बाहरी इलाके में और पहाड़ की तलहटी में एक मंदिर है, जिसमें बुद्धराज की पूजा की जाती है। पहाड़ जमीन से 600 फीट ऊपर है। यहाँ कई अन्य खूबसूरत स्थल भी है, जैसे कि एक मंदिर भगवान श्रीराम, एक योगाश्रम, एक मैंगो ग्रोव और एक त्रिकोण के आकार का तालाब है। वीर सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े विद्रोह से यह पहाड़ गहराई से जुड़ा हुआ है। वन विहार के रूप में जाना जाने वाला त्योहारा यहाँ चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो जिले के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहर के लोगों को आकर्षित करता है। नंबर पाँच पर है नलीचुआ जलप्रपात। नलीचुआ जलप्रपात घटली से 10 किलोमीटर और बरगढ़ शहर से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इस झरने की ऊंचाई करीब 200 फीट है। नलीचुआ जलप्रपात सुंदर पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ है। झरने के पास एक गिर गोवर्धन मंदिर है। यह जलप्रपात आबखोल जलप्रपात से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जलप्रपात और पर्यावरण का रोमांच आनंददायक है। नलीचुआ जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि पर्यटक सर्दियों में इस झरने को देखने आते हैं। नंबर छः पर है आबखोल जलप्रपात। आबखोल जलप्रपात भटली से 15 किलोमीटर और बरगढ़ शहर से 39 किलोमीटर दूर सरधापाली गांव के पास स्थित है। यह स्थान देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। आबखोल जलप्रपात सुंदर पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ है। जलप्रपात और पर्यावरण का रोमांच बेहद आनंददायक है। आबखोल जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि पर्यटक सर्दियों में इस झरने को देखने आते हैं। यह सामूहिक भोज और पिकनिक के लिए एक शानदार जगह है। नंबर सात पर बरगढ़ साइंस पार्क। यह साइंस सेंटर बरगढ़ से भटली रोड पर खेड़ापाली में स्थित है, जो भटली से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह साइंस पार्क रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और रविवार को अवकाश के दिन बंद रहता है। प्रवेश शुल्क 15 रुपया प्रति वयस्क और बच्चों के लिए निःशुल्क निर्धारित है। 20 मिनट के लिए 3D शो देखने के लिए आपको अलग से 15 रुपये की टिकट लेना होगा। अगर आप अपने बच्चों को कहीं घूमने लेने जाना चाहते हैं तो यह जगह बरगढ़ में सबसे अच्छा है।
क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए ढेर सारे फन साइंस अवेलेबल है। नंबर 8 पर है बरगढ़ वाटर पार्क। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ फन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यह स्थान एक बार जरूर जाना चाहिए, जो बरगढ़ में एक्वा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आप यहां बहुत सारे जल क्रीड़ा गतिविधियों में दिन के अवकाश को पूरा कर सकते हैं। यह प्रसिद्ध प्रतिष्ठान स्थानीय और ओडिशा के अन्य हिस्सों से ग्राहकों की सेवा करने वाले एक शीर्ष गंतव्य के रूप में कार्य करता है। एक्वा आइलैंड में अपने ग्राहक को विभिन्न उपकरणों का पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी विनम्र है और किसी भी सहायक को उपलब्ध कराने में तत्पर है। नंबर 9 पर है तामदेई पिकनिक स्पॉट। तामदेई ओडिशा में बरगढ़ जिले की अंबावना तहसील में स्थित है। यह उपजिला मुख्यालय अंबावना से 50 किलोमीटर और जिला मुख्यालय बरगढ़ से 78 किलोमीटर दूर स्थित है। आप यहां पर नौका विहार करते समय पक्षियों की विहंगम दृश्य को पास से ही अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों और फैमिली पिकनिक के लिए यह स्थान बरगढ़ में सबसे आगे। नंबर 10 पर है देवी पथरसिनी, जो अर्जुंडा गाँव में महानदी नदी के तट पर बारा पहाड़ वन श्रृंखला के उत्तरी छोर पर स्थित है। यह जिले के अंबावना तहसील के अंतर्गत आता है। घने जंगल से घिरा हुआ यह बांधी जरिया फवार और केदारनाथ फवार के बीच मौजूद है। यहाँ एक मंदिर में देवी पथरसिनी की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार चंद्रपुर की चंद्रासिनी, पदमपुर की पद्मासिनी और अर्जुन की पथरसिनी बहन लगते हैं। नौका विहार सुविधा इसका एक अतिरिक्त आकर्षण है।